तो अभी अपने पास BS6 का एक्टिवा 125 है और इसमें इंजेक्टर का प्रॉब्लम है, तो अभी हम लोग इसका इंजेक्टर कैसे चेंज करेंगे ये देखने वाले हैं। इसमें एक्चुअली हो क्या रही थी कि गाड़ी 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 स्टार्ट तो हो रही, लेकिन इसमें पिकअप का प्रॉब्लम है। गाड़ी झटका देकर चल रही है या तो बंद हो जा रही है, गाड़ी बीच बीच में बंद हो जा रहा है और गाड़ी झटका देकर चल रही है। तो इसमें हमने चेक किया, इसमें हमने गाड़ी इसमें चेक किया तो इंजेक्टर का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम इंजेक्टर चेंज करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले ये वाला देखिए आप, ये वाला पिंक वायर, पिंक ब्लू और वाइट ब्लैक वायर, दो वायर इसमें लगता है इंजेक्टर के पास। तो इसका कनेक्टर सबसे पहले निकाल देंगे, ये इसका क्लिप रहता है, ऐसे पुश किए और खींच ले इसको, ये निकल गया आसानी से। उसके बाद ये वाला देखिए, फ्यूल इंजेक्टर का ये केबल कैसे निकालेंगे। ये जो पीला वाला देख रहे हो आप ना, ये लॉक रहता है एक्चुअली, इसको गलत तरीके से निकालेंगे तो ये टूट सकता है। तो इसके लिए इसको अंदर की ओर पुश करेंगे, उसके बाद इसको ऐसे पकड़ के खींच देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। हाँ, अंदर दबाइए, ये देखिए, ये बिल्कुल आसानी से ये निकल गया। फ्यूल पंप को जो गया रहता है ये पाइप, आसानी से निकल गया। अब उसके बाद ये अपना फ्यूल इंजेक्टर है, इसमें दो बोल्ट टाइट है 10 mm का, तो इसको निकाल लेंगे। तो ये 10 नंबर का दोनों बोल्ट हमने निकाल लिया है। उसके बाद ये फ्यूल इंजेक्टर को ऐसे निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हो आप, ये देखिए पुराना वाला फ्यूल इंजेक्टर ये खराब हो चुका है, तो इसको हम नया से रिप्लेस करें। तो ये अपने पास नया वाला फ्यूल इंजेक्टर, तो ये हमारे पास अभी है नया वाला फ्यूल इंजेक्टर। इसका आप चाहो तो पार्ट नंबर नोट कर सकते हो, 164-50-K0L-D01, ये इसका पार्ट नंबर है। और इसका प्राइस है, MRP देख सकते हो आप, 1056 रुपये का है ये आराम से। तो ये नया वाला फ्यूल इंजेक्टर, अब जैसे हमने नया वाला फ्यूल जैसे हमने निकाला था वैसे ही इसको फिट करेंगे। चलो शुरू करो। ये जो आप देख रहे हो इंजेक्टर होल्डर है, तो इंजेक्टर अलग से आता है, होल्डर उसके साथ में नहीं आता। तो इंजेक्टर को हम इसमें फिट करने वाले हैं। चलिए फिट करो। तो ये इस प्रकार से आप इंजेक्टर को होल्डर में फिट कर देंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे ये ध्यान देना आप, ये वाला और ये वाला बिल्कुल आसपास होना चाहिए, तभी सही फिट है ये। अब ये नया वाला कुछ पता चले भैया? सर एक मिनट सर। तो ये हमने फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल होल्डर में लगा दिया है, उसके बाद इसको ऐसे फिट करेंगे। चलो थोड़ा सावधानी से लगाइएगा, अच्छी तरीके से ये बैठना चाहिए। ठीक, तो ये ठीक है, बोल्ट लगा दो। तो 10 mm का जो बोल्ट हमने निकाला था उसको लगा देते हैं, एक बोल्ट और। अब उसके बाद दोनों बोल्ट को टाइट कर देंगे। तो 10 mm का दोनों बोल्ट को अच्छी तरीके से हमने टाइट कर दिया है, ये दोनों बोल्ट टाइट कर दिए। उसके बाद जो हमने ये पाइप निकाला था जो फ्यूल पंप से आ रहा था, उसको ऐसे लगा देंगे। इसको अंदर की ओर ऐसे पुश करना है बस। ये देखिए, क्लिक की एक साउंड आएगी, ये लग गया। उसके बाद जो हमने इसका ये कपलर निकाला था, जो ब्लैक वाइट और एक पिंक ब्लू कलर का था, उसको हम एज इट इज लगा देंगे। तो ये इंश्योर करेगा, ये देखिए, ये वाला देखिए, ये इसका जो लॉक रहता है वो इस साइड रहेगा, उसको थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। तो ये अंदर की ओर दबाएंगे, ये देखिए इसमें क्लिक की साउंड आई, ये अब बिल्कुल इंस्टॉल हो गया है। अब हम गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। गाड़ी चालू करो, तो गाड़ी चालू हो चुका है।
गाड़ी स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल ओके है।